सीएम योगी के निर्देश के बाद प्रदेश के हर मदरसे में आज से राष्ट्रगान की शुरुआत कर दी गई है। आपको हम मदरसों की चार तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर में आप देखेंगे आगरा की, पहली तस्वीर है आगरा के मदरसा मोइल उल इस्लाम में राष्ट्रगान गाया गया। इस दौरान मदरसे में यूपी अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी राष्ट्रगान में शामिल हुए। दूसरी तस्वीर मुजफ्फरनगर की है, यहां मदरसा कुद्दूसिया जुनैल अबैदन में छात्र छात्राओं ने राष्ट्रगान गाया। तीसरी तस्वीर हम आपको बहराइच की दिखा रहे हैं, यहां के प्राइमरी मदरसा नूरुल उलूम में क्लास शुरू होने से पहले राष्ट्रगान हुआ। चौथी तस्वीर हम आपको अलीगढ़ की दिखा रहे हैं, मदरसा अरबिया तामील मिल्लत में छात्र छात्राओं ने राष्ट्रगान गाया है। तो देखिए अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग जगह की मदरसों की हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरीके से यूपी के मदरसों में भी अब राष्ट्रगान आज से शुरू हो चुका है। शामली के मदरसों में भी शासन के आदेश के बाद आज से राष्ट्रगान की शुरुआत की गई। मदरसों में छात्र छात्राओं के साथ मदरसों के शिक्षकों के साथ मिलकर राष्ट्रगान गाया। सुबह मदरसों में पहले प्रार्थना हुई, जिसके बाद छात्र छात्राओं ने राष्ट्रगान गाया। यूपी सरकार के फैसले का मदरसे के प्रिंसिपल ने स्वागत किया। छात्रों के साथ साथ जहां शिक्षकों ने भी राष्ट्रगान गाया है, शामली में भी छात्र छात्राओं ने राष्ट्रगान गाया। पहले प्रार्थना हुई और उसके बाद छात्रों के साथ मिलकर शिक्षकों ने भी राष्ट्रगान गाया। अयोध्या में 5 जून को नवनिर्माण महाराष्ट्र सेना के संस्थापक राज ठाकरे का दौरा है। वहीं राज ठाकरे के अयोध्या दौरे को लेकर केसरगंज के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने विरोध में मोर्चा खोला है। वहीं अब बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी भी उनके साथ खड़े हैं। भाजपा सांसद अयोध्या में साधु संतों का समर्थन लेने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान इकबाल अंसारी से भी भाजपा सांसद ने मुलाकात की, जिसके बाद इकबाल अंसारी ने कहा कि एक तरफ अयोध्या के प्रवेश द्वार पर साधु संत और सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह राज ठाकरे के खिलाफ विरोध जताएंगे, तो दूसरी ओर अयोध्या के पश्चिम प्रवेश द्वारा ही वो मुस्लिम भाइयों के साथ राज ठाकरे के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। तो चौतरफा विरोध राज ठाकरे का किया जा रहा है, संतों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, ये बात कही जा रही है। और अब इस पूरे मामले में एक बार अंसारी का भी समर्थन ब्रजभूषण शरण सिंह को मिल रहा है। मनसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज ठाकरे के आगमन की मुश्किलें और भी बढ़ती जा रही हैं। वहीं एक तरफ बाहुबली सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह अयोध्या के वरिष्ठ संतों से मुलाकात कर रहे हैं, तो वहीं मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी से भी आज उन्होंने मुलाकात की है। इकबाल जी, आज ब्रजभूषण जी आपसे मुलाकात किए, क्या बातें हुई, राज ठाकरे के आगमन को लेकर के क्या चर्चाएं हुई हैं? देखिए, ब्रजभूषण जो है सिंह कैसरगंज के सांसद हैं, उत्तर प्रदेश के मसीहा भी हैं। उत्तर प्रदेश की जनता के साथ में जो है महाराष्ट्र में जो दुर्व्यवहार हुआ, उत्तर प्रदेश के लोगों को जो है बहुत ही बुरा लगा। वो जो है व्यवहार जो है उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अयोध्या में, अयोध्या धर्म की नगरी है, यहाँ आने से पहले यहाँ संत हैं, यहाँ सरजू नदी है, यहाँ धार्मिक नगरी है। अयोध्या वो आ रहे हैं, सांसद जी उसका विरोध कर रहे हैं। विरोध करने में पूरे सांसद जी, यहाँ का साधु संत समाज है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश की जनता के साथ में जो दुर्व्यवहार किया है, अगर अयोध्या वो आ रहे हैं तो यहाँ जो उत्तर प्रदेश की जनता से माफ़ी उनको मांगनी चाहिए। अगर जनता से माफ़ी नहीं मांगते तो संतों से माफ़ी मांगे और सरजू स्नान करें, अयोध्या में प्रवेश करें। तो इकबाल अंसारी का विरोध किस तरह से रहेगा राज ठाकरे के आगमन को लेकर के? देखिए, सवाल यहाँ है, जहाँ सांसद जी हैं यहाँ जो है जात की बात नहीं है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उत्तर प्रदेश के जनता के साथ में अयोध्या के साधु संत हैं, और ब्रजभूषण शरण सिंह जो है वो भगवान राम के वंशज हैं और उत्तर प्रदेश की जनता के मसीहा भी हैं। जो वो कहेंगे वो लोग यहाँ के यहाँ करने के लिए लोग तैयार हैं। ब्रजभूषण ने बयान दिया है कि हमारे साथ 1,00,000 मुस्लिम धर्म गुरु हैं, तो क्या माना जाए कि इकबाल अंसारी भी दूसरे छोर पर नजर आएंगे अयोध्या के प्रवेश द्वार पर? सवाल जो है अयोध्या का है, यहाँ जो है अयोध्या में जात नहीं है हिंदू मुसलमान की, ये जो है ये धर्म की नगरी है, यहाँ जात पात नहीं देखी जाती। अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो अयोध्या के हिंदू और मुसलमान सारे उनके साथ में हैं।